पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। अ मैन हु हैज इंपैक्टेड पॉलिटिक्स विद इंटीग्रिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। हिज एड्रेस वॉज वेरी एनलाइटनिंग। द वर्ड्स केम फ्रॉम हिज माउथ, दे इमेनेटेड फ्रॉम हिज हार्ट। श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी और मंजू बहन जी, मैं खास आभारी हूं। परिवार से नाता मेरा 5 दशक का है। आपके पिताजी ने न्याय जगत पर जन कल्याण को आगे बढ़ाकर अमिट छाप छोड़ी। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायपति के रूप में, बाद में नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य के चीफ जस्टिस के नाते उन्होंने जो कार्य किया तो वो आज सभी को याद है। मेरे प्रारंभिक वकालत के जीवन में जो उत्साह उन्होंने दिखाया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये सौभाग्य है कि मुझे अब दूसरी पीढ़ी से भी मिलने का मौका मिला है, पर मैं इनका ऋणी खास तौर से इसलिए हूं कि आज के कार्यक्रम में मुझे आने के लिए आप दोनों ने प्रेरित किया। आई वॉज अवेयर बट नॉट सो मच। आई वॉज नॉलेजेबल बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। पर जब दोनों ने कहा कि इस कार्य को अटेंड करना है तो दिल्ली में एक बड़ा आयोजन था, ग्लोबल साउथ के देशों के कई चीफ जस्टिस आए हुए थे। यहां आने के लिए हमने उस कार्यक्रम को उसी सीमा में रखा। But coming here, I felt I am the beneficiary. Right from the time I landed and got Ashirwad, the moments are etched forever in my memory and heart. Gurudev Shri Rakesh Ji ke haath jab mere yahan aaye, I felt energized. Motivated and inspired. I am taking good homework from this place and I am greatly touched that a camp will be held in my home district, Jhunjhunu. गुरुदेव जी, राकेश जी, आई न्यू ऑफ हिम बट नाउ आई स्लाइटली नो हिम। फुल ऑफ सब्लिमिटी, इमिनेंट लाइट, and I have no doubt he is changing lives of the people for the better.
फ्रेंड्स, इंडिया इज एपिसेंटर ऑफ कल्चर. इट इज नर्व सेंटर ऑफ कल्चर. वी हैव सिविलाइजेशनल इथोस ऑफ मोर देन 5,000 ईयर्स. ड्यूरिंग G20, वन अर्थ वन प्लेनेट वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम. बट इट इज ऑन अकाउंट ऑफ सच महापुरुष that we are sustaining it. Sri Abhay Jasani ji, Atmarpit Nemi ji, aur sabhi mahanubhav. Jo kuch aaj maine kiya, that is honor to me. I am not up to that level that I could do something to honor the man who has to bless us forever. Memorial mural and the marg will be source of enlightenment to the people by themselves. आज के दिन की खासियत देखिए, श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा है, और अभी बताया गया प्रकाश पर्व भी है. कन्वर्जेंस ऑफ थ्री इंडिकेट आवर कल्चरल डेप्थ. पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं. महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे. इन दोनों महानुभावों में, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वन थिंग इज कॉमन, दे हैव रिफ्लेक्टेड विद रेस्पेक्ट टू श्रीमद राजचंद्र जी. You will never find a parallel in history that two great men recognized globally have understood the worth, significance, role, motivational force of Rajchandra ji. In the short video we had our Prime Minister reflecting about him. I was not looking at his words, I was looking at his body language. And father of the nation, Mahatma Gandhi, about whom Einstein said, future generations will find it very difficult to believe ki aisa aadmi is planet par tha. उन महात्मा गांधी जी ने राजचंद्र जी के बारे में जो कहा, दैट ही मेंटर्ड, गिव मी डायरेक्शनल अप्रोच इन अध्यात्म, दैट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू ह्यूमैनिटी नाउ. आज के दिन भारत की दुनिया में जो पहचान है और जो किसी और देश की पहचान नहीं है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है. हर कालखंड में इस धरती को पवित्र किया है, उनमें से एक हैं श्रीमद राजचंद्र जी.
दोनों महानुभाव महात्मा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में अपना उद्बोधन दिया है, और नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महारत का काम भी किया है, अमृत काल में उन सब लोगों को ढूंढा है, निकाला है जिन्होंने आजादी के यज्ञ में अपनी आहुति दी थी, जिनको लोग भूल गए थे। आवर स्पाइनल स्ट्रेंथ फ्रेंड्स विल ऑलवेज बी आवर स्पिरिचुअलिटी। जिन लोगों को हमारा यंग जनरेशन पूजता है, दे आर आइकॉन्स। आई एम रेफरिंग टू लेट से स्टीव जॉब्स और एनीवन एल्स, ऑल ऑफ देम, दे केम इन सर्च ऑफ पीस टू दिस लैंड। आफ्टर विजिटिंग दिस लैंड दे अटेंड ग्लोबल हाइट्स। तो मुझे तो ये देखकर बहुत ही मन को सुकून मिलता है कि यहां पर हर व्यक्ति है उसको आज कितना जॉय मिल रहा है। दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी अप्रिसिएशन, दिस इज ए रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इमनेट्स फ्रॉम द हार्ट एंड माइंड। आज के दिन दुनिया कहां जा रही है? पूरी दुनिया चिंतित है। हम तीन काम कर रहे हैं जो राजचंद्र जी कहते हैं मत करो। वन, दिस प्लेनेट सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, यह प्लेनेट हर लिविंग बींग के लिए है। योर वेटरनरी हॉस्पिटल इज अ लैंडमार्क कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। आज के दिन हर व्यक्ति परेशान है, और कुछ इसलिए परेशान है कि मैं दूसरे को ज्यादा परेशान क्यों नहीं कर पा रहा हूं। नो मेडिकल साइंस कैन फाइंड आंसर टू इट, द आंसर कम्स फ्रॉम सेज एडवाइस ऑफ सच पीपल। अंदाजा लगाइए, 30 साल से कुछ ज्यादा उम्र में भगवान ने उनको बुला लिया, पर कितनी अमिट छाप छोड़ गए। आज के दिन भारत प्रतिभाशाली देश है, 140 करोड़ की जनता है, पर मुझे अब यहां आने के बाद यह लग रहा है कि राजचंद्र जी यदि अगर आज यहां साक्षात रूप से होते तो मुझे कहते, बालक 21 सितंबर को राज्यसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देकर बहुत अच्छा काम किया है। आज के दिन महात्मा गांधी जिंदा होते तो कहते, नरेंद्र मोदी जी मैंने तो प्रयास किया पर आपने उसको सिरे पर चढ़ा दिया, स्वच्छता का। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज आम आदमी डिस्टर्ब्ड है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, इज इन रेकलेस परस्यूट ऑफ मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म बाय इटसेल्फ इज नॉट बैड, यदि अगर व्यक्ति मेटेरियलिज्म में नहीं पड़ेगा वी विल नॉट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, बट देयर मस्ट बी ब्लेंड मिक्स ऑफ द टू। आई सी दैट इन मंगल प्रकाश, नाम ही दमदार है, बट क्रेडिट गोज टू गुमानमल जी। आई हैड द ओकेजन टू नो हिम वेरी पर्सनली। देश का बदलाव शिक्षा, समानता, अच्छे व्यवहार से आता है। आज के दिन में मैं देखता हूं कि हमारे देश में यदि अगर लोग ठान लें कि सड़क पर हमारा आचरण कानून के अनुरूप होगा तो दुनिया देखेगी भारत बदल गया। मैं आपके शहर को सलाम करता हूं,
Your city is known for discipline on road. बहुत पहले की बात है. I came to here in 1989 after I became member of parliament. I came as a minister in 1990. I came thereafter. और मेरी गाड़ी को एक कांस्टेबल ने कहा कमिश्नर साहब यहां पर हैं, साइड में कर दो. मुझे कोई कमी नजर नहीं आई और मैं थोड़ा उत्सुक था कि बॉम्बे में हो क्या रहा है, क्यों साइड में कर दिया. कहा कि लेन कटिंग जोन था, जो आप कहते हो दी है. अब तो मैं कमिश्नर साहब को कह सकता हूं कि मेरे हालात और भी मुश्किल हैं. कोई दूसरा आपका आकलन करता है तो आप तर्क दे सकते हो, पर जब खुद आकलन करना होता है, यू हैव टू बी वेरी हार्श. योर जजमेंटल हैज टू बी एब्सोल्यूटली ऑन. मैं गुरु श्री राकेश जी से भी कहूंगा कि हमारे संसद सदस्य यदि अगर इनका प्रवचन सुनेंगे तो मेरे मुकाबले उन पर ज्यादा असर होगा. आज के दिन हम क्या देखते हैं, टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट शुड फ्लरिश एंड ब्लॉसम बाय डिबेट डायलॉग डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, वहां हम देख रहे हैं डिसरप्शन एंड डिस्टर्बेंस. जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ, निर्माण 3 साल तक चला, आपके महामहिम राज्यपाल जी लोकसभा में 3 दशक से ज्यादा रह चुके हैं, ये मेरी बात को तायद कर सकते हैं. फॉर 3 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेटेड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देर वर डिविजिव इश्यूज, देर वर कंटेंशियस इश्यूज, देर वर इश्यूज ऑन विच इट वॉज डिफिकल्ट टू कम टू वन पॉइंट ऑफ व्यू, बट देर वॉज नो डिसरप्शन. There were no disturbance. Nobody came to the well of the house. Nobody had placards. देश में आज एक वातावरण बनाने की दरकार है कि जब भारत दुनिया में इतनी गति से आगे बढ़ रहा है, हमने ग्लोबल इकोनॉमी साइज के अंदर 5वां स्थान प्राप्त किया और यूके और फ्रांस को पछाड़ा. 2030 तक जापान और जर्मनी भी पीछे रह जाएंगे. जब देश या व्यक्ति बहुत आगे जाता है तो थर्ड प्रिंसिपल है न्यूटन का, लोग खिलाफत में उतर जाते हैं. भारत गति से ऊपर जा रहा है, राइट फ्रॉम सी, लैंड, एयर एंड स्पेस. अगस्त 23 वॉज नेम्ड एज द नेशनल स्पेस डे, क्योंकि चंद्रयान 3 चांद के उस कोने पर पहुंचा जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया. चंद्रयान पर हमने तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट किया. बट आई मस्ट शेयर माई कंसर्न विद यू. फोर्सेज अपोज टू द ग्रोथ ऑफ दिस नेशन, फोर्सेज दैट डू नॉट डाइजेस्ट द राइट ऑफ दिस कंट्री आर कमिंग टूगेदर. इवन सम ऑफ अस, उनका हाजमा भी खराब है. जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है, they get into a different mode. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसी परिस्थिति में
आप जैसे महानुभाव चुप नहीं रह सकते। खतरा बहुत बड़ा है, खतरा छोटा नहीं है, क्योंकि जो भी देश आसपास देख रहे हैं, किसी का इतिहास 300 साल पुराना, किसी का 500, किसी का 1000, हमारा 5000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारे लोगों की प्रतिभा इतनी जबरदस्त है कि आज के दिन दुनिया की 20 बड़ी कॉरपोरेट हैं, उसमें भारत का व्यक्ति है, भारत का मूल होगा या उसके पेरेंट्स भारतीय हैं। सो व्हाइल आई एम टेकिंग गुड होमवर्क फ्रॉम दिस प्लेस, एक्सप्रेसिंग माई डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट देयर विल बी अ कैंप इन झुंझुनू, आई सीक फ्रॉम यू दैट डेवलप अ कल्चर टू ऑलवेज कीप आवर नेशन फर्स्ट। वी मस्ट बिलीव इन भारतीयता, वी मस्ट बी प्राउड इंडियंस एंड टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक अचीवमेंट्स। हमने जिस चीज का सपना नहीं देखा, कल्पना नहीं की, और वो दिन देखा 1990 में मंत्री की हैसियत से कि भारत का सोना हवाई जहाज से विदेश भेजना पड़ा ताकि हमारी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी रहे। हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 और 2 बिलियन के बीच में झूल रहा था, नाउ इट इज ओवर 600 बिलियन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हो, आप ऐसे संगठन के सिपहसालार हो, यू आर फुट सोल्जर्स उस व्यक्ति के कदम पर चलने के लिए जिस व्यक्ति को प्रशंसा में पूरी तरह से मंड दिया महात्मा गांधी जी ने और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। बोथ आर फॉर भारत चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिनी, दे शेप डेस्टिनी ऑफ इंडिया, गांधी जी इन द अर्ली सेंचुरी, मोदी जी इन दिस सेंचुरी, एंड बोथ हैव वन कॉमन थ्रेड, दे गोट इंस्पिरेशन मोटिवेशन फ्रॉम राजचंद्र जी। आई वॉज अमेज्ड, आई नेवर थॉट बिफोर आई सो इट दैट लुक एट द लेवल ऑफ योर एक्टिविटी, लुक एट द स्केल ऑफ योर एक्टिविटी, एंड वन थिंग इज अ कॉमन थ्रेड, यू आर एंगेज्ड इन मिटिगेटिंग सफरिंग ऑफ द पीपल, यू आर एंगेज्ड इन टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ। दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस टू दैट माइटी पावर हु कंट्रोल्स ऑल ऑफ अस। फ्रेंड्स, दिस डे विल एवर बी इच्ड इन माई मेमोरी, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस डे। वंस अगेन आई एक्सप्रेस माई डीप सेंस ऑफ पर्सनल ग्रेटिट्यूड टू मंगल प्रभात जी एंड मंजू मैन जी, बिकॉज इनिशियली आई थॉट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम दिस मे नॉट बी फिजिबल, पर माननीय मंत्री मंगल जी ने कहा आपको निश्चित आना है और आकर आप देखोगे कि आप क्यों आए हैं। यहां उनसे थोड़ी चूक हो गई, उन्होंने जो आकलन किया था यहां का वातावरण उसे कई गुना ज्यादा है। आई एम डिलाइटेड, ग्रेटफुल।